प्रकाश झा की नई फिल्म लिस्टिंग अंडर माय बुर्का को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। अलंकृता श्रीवास्तव के निर्देशन में बनी इस फिल्म को प्रकाश झा इन्होंने प्रोड्यूस किया है। प्रकाश झा की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसी कारण प्रकाश झा ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे समाज में अलग अलग समाज के जो हिस्से हैं वो बहुत मजबूत हैं, वो हमेशा अपने फ्रीडम की और अपने एक्सप्रेशन की आज़ादी रखते हैं। चाहे वो आप देखें, कई बार आपने सुने होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे इंस्टेंसेस की, कि समाज के लोगों को ऐसा अंदाज हुआ कि ये चीज़ जो फिल्म में दिखाई जा रही है वो ऐतिहासिक रूप से या सामाजिक रूप से या हमारी भावनाओं के प्रति गलत है, तो वो उठते हैं और उसकी उस पर आवाज़ उठाते हैं और उस पर प्रोटेस्ट करते हैं। और आम तौर पर हमने देखा है, शुरू से देखा है, कि जो सिस्टम है या मशीनरी है, स्टेट है या पुलिस है, वो चुपचाप देखती है, वो समाज को रोकती नहीं है। मैं इसका भुक्तभोगी रहा हूँ बहुत ज़माने से। मेरी बहुत सारी फिल्मों पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हुए हैं, ट्रिब्यूनल मुझे जाना पड़ा है, कोर्ट भी जाना पड़ा है, इसलिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और मैं तो अब हमेशा अपने सभी फिल्मकारों से कहता हूँ कि फिल्म मेकिंग जो है वो क्रिएटिव ही नहीं, मैनेजोरियल ही नहीं, बाकी समाज को भी एक नेगोशिएट करके अपनी बात आगे रखने की कला है, और इस कला को हमें सीखना चाहिए। यही मैंने मंत्र जो है अपने अलंकृता को, अपने असिस्टेंट को दे दिया है कि तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होंगी। देखिए, हम कंट्रोवर्सी तो नहीं चाह रहे ना, हमने तो फिल्म दुनिया के कितने फेस्टिवल्स में, दुनिया के कितने ऑडियंस को और तरह तरह के ऑडियंस को फिल्म दिखाई। अभी अभी अलंकृता लौटी है फेस्टिवल्स का एक राउंड करके, आप बताओ, 5-5 ग्लोबल अवार्ड्स, सात अवार्ड मिले अभी तक, मिल चुके हैं। और हर जगह की ऑडियंस ने, चाहे वो कायरो की ऑडियंस हो, चाहे वो स्वीडन की ऑडियंस हो, चाहे वो इंग्लैंड की ऑडियंस हो, चाहे वो मायामी की ऑडियंस हो, चाहे वो फ्रांस की ऑडियंस हो, चाहे वो टोक्यो की ऑडियंस हो, चाहे अपने देश की मायामी फेस्टिवल की ऑडियंस हो, किस तरह से लोगों ने तालियां बजाई हैं और लोगों ने किस तरह से फिल्म को अप्रिशिएट किया है। मुझे तो मैसेज आते हैं, मैं तो इन फेस्टिवल्स में जाता नहीं हूँ, अलंकृता ही जाती है, लेकिन लोगों की चाहत है कि आज यंग लोग हों, समाज के लोग हों, वो हर तरह की चीज़ देखते हैं, हर तरह की चीज़ सोचते हैं, हर तरह की चीज़ एक्सप्रेस करते हैं और हर तरह की चीज़ अप्रिशिएट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब एक आबादी को अपना शासक, अपना गवर्नमेंट, अपना भविष्य चुनने की आज़ादी हो, तो इसको एक छोटी सी फिल्म की कहानी देखने की आज़ादी नहीं हो, ये कितनी हास्यास्पद बात है। I feel right now my issues really and the film's issues are with the fact that we haven't got certification from the censor board, and I definitely feel that the censor board, the way it's functioning right now, is functioning from a very patriarchal mindset, and they have no idea about the context of, you know, how they should watch a film. They don't have any idea about gender dynamics, the politics of representation, the politics of the female gaze versus the male gaze. And I feel like they are just functioning from a space where the only kind of cinema they seem to be propagating is a very male gaze controlled popular mainstream cinema. And I feel like there is no level playing field for alternative voices in cinema. So I feel that there is a serious problem in the fact that they have refused certification to a film like Lipstick Under My Burqa, because they feel they're so uncomfortable with the female point of view. And I feel like they're not really uncomfortable with the sex per se or sexuality per se, but they are very uncomfortable with the fact that a woman is striving for agency over her own body, and she's trying to sort of, she's claiming her own desires. And I feel it's a very deep sort of rooted thing, because actually there is no nudity in the film. There's not even a cleavage shot in the film. So it's not about what's in the film. It's the fact that the film is talking about the lives of women from their own point of view. And we are so used to watching a dumbed down kind of version of
what happens, and because and we are so used to this culture of the item song where the camera mindlessly travels up and down the woman's body with zero like connection with the narrative, or where women are portrayed as a sati savitri, you know, like virtuous women, or they are like vamps. So there's very little space for ordinary women who have their ups and downs, their dreams, their desires, you know, things they laugh at, and like sort of the heartbreak that they go through. So I think the real problem is that they are very uncomfortable with women telling you their version of what's going on with them. And therefore, I feel it's a very dangerous thing to shut down a film like, try to suppress a film like Lipstick Under My Burqa, because then what you're saying is that women should not tell their own stories. Let us just keep engaging with the popular representation of women and just be okay with that. If we ever try to speak out and say, no, this is how we actually feel, yeah, and this is our story. How dare you, exactly, you know, change the balance of the society, you know? Yeah. You have been raised, you have been, you know, indoctrinated, you have been, we have told you how to speak, how to stand, how to behave, how to express. We have told you all that. How to serve men all your lives. How to serve men all your lives, you know, how to be useful to men. Understand what the audience is. They have completely blank as far as that is concerned. The audience all over the world, they are extremely intelligent, they are expressive, they understand, because they are what they are, you know. Can anyone, you know, stop me from thinking? Can anyone stop me from writing, from walking? Freedom cannot be given to me by anybody. Freedom is a daily practice. Freedom comes from habit. I have to feel free, and I have to act free and behave free, not for the world, but for myself. Yeah, and I also feel like there's like freedom of expression and gender equality that is actually promised to all Indian citizens on paper. But maybe the time has come that we need to claim that freedom and actualize it and live it. So I feel maybe this film and this whole issue has come up actually, and I feel like it's really important that we sort of speak up and be clear, because no one actually has the right to shut down 50% of the population's voice. And if we say that we are a country where there is democracy and freedom, and there is like women and men have equal rights, then they definitely have equal rights to represent their stories in popular culture. And I feel that the decision by the CBFC is absolutely not in keeping with the spirit of the Constitution of India, which promises freedom of expression and gender equality. So I feel on both counts, their decision is absolutely wrong, unfair, and completely illogical. It has always been like that. You know, Indian societies, mythologically, historically, socially, at every given point of life and time of this nation, or even before it became a nation, we've always been, you know, very strong. The societies, they have never tolerated, they have never accepted, they have never kind of like, you know, allowed anything which does not fit into their kind of like, you know, mind frame or terms or like, you know. Today, if you speak a word against Rabindranath Tagore, any Bengali will spare you. If you speak a word against or try to debate against Ambedkar, see what happens to you. If you take the name of any political party and try and kind of like, you know, do anything, just see what happens to you. It's not only today's, ever, all the time. We live in a society. That is why it's good also, because, you know, in a country like India, there can never be a dictator. The society is always override the system. The state will stand there, watch, not speak, because the society will kill it by not voting. We know that Begum Jaan, because we have not seen the film. Look, what happens here? बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत बड़े बड़े बम के गोले, तोप, मिसाइल्स मेरे अगल बगल से निकल जाएं और मैं खड़ा रहूं, बच जाऊं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो कहीं से चलती है, छोटी सी बात जो अगर सीधा दिल में लगती है, तो वो हमें ख़त्म कर देती है.
तो जो आज मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र ये आ रहा है कि ये फिल्म जो है लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, ये हमारे समाज की आत्मा से बात करती है और हमारे समाज की आत्मा औरतों में बसती है। हमने उसको, उसका मुंह बंद कर दिया है, उसको सफोकेट कर दिया है, उनको आज़ादी छोड़िए सोचने भी नहीं देते हम, क्योंकि आज जो औरतों पर अत्याचार होते हैं कई एक बार, तो उसमें औरतें भी शामिल होती हैं। तो समाज की सोच जो है वो पुरुष प्रधान सोच है, वो एक पेट्रियार्कल सोच है जो कि समाज को एक तरह से चलाना चाहती है, औरतों को, जानवरों को, यहाँ के रस्मों को, रिवाजों को वो एक तरह से चलाना चाहती है, क्योंकि उसकी सेवा उससे होती है। अब समय ये आ गया है कि हम ये जो बात करते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट की और वुमेन को इक्वल राइट देने की, औरतों को बिल्कुल चाहिए कि ये बात ही ना करें, औरतें ये समझ के चलें कि हमारी तो है इक्वल राइट, वो हमारी राइट थोड़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि जब तक तुम मांगते रहोगे ना तब तक तुम्हारे साथ ये अत्याचार होता रहेगा। अब इस बात को मान लो कि हम जैसा चाहेंगे वैसा सोचेंगे, हम जैसा चाहेंगे जो हमें उचित लगेगा वैसा हम करेंगे, और हम हैं बस, तभी जाके बात बनेगी। And also just wanted to clarify that any film that has a female protagonist doesn't necessarily make it a film that is made from a female point of view. And that is what the problem that these people, it's not that they have a problem because there are women in the film. It's the fact that the women in the film are telling their stories from a female point of view. So it is actually that female gaze which is bothering them, because that is something that is very uncomfortable and it's not very common in popular Indian cinema, because we are very used to seeing women, but again we are seeing them in a way that either they are heroes or they are like vamps. That intimate telling of your own story from a female point of view is what is bothering them, which is why like it's not, there's nothing like, I know this word bold also I feel is very odd that they keep saying, oh, this bold film, like there's nothing, there's no nudity in the film, there's not even a cleavage shot in the film. So definitely it's not about what is being like Prakash was right saying. Too, why don't you say it? Ek aurat apni sexuality ke bare mein apna decision khud le sake, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में सोचे, ये आज आप बात कर सकते हैं? नहीं बात कर सकते। आपकी शादी हुई है, आप अपने हस्बैंड से बात कर सकते हो क्या? आमतौर पे आप नहीं बात कर सकते, तो क्या वो उनकी सोच नहीं है? क्या वो चाहती नहीं है? आई मीन इज इट ऑलवेज द मेल हु नीड्स टू बी सैटिस्फाइड? That is the problem. पूरी फिल्म को सर्टिफिकेट दे देंगे तो भी अच्छा रहेगा। That's what they did ना, उन्होंने तो total refusal कर दिया ना कि कुछ कोई सर्टिफिकेट नहीं, nothing about any scenes or anything. हमें पूरी उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल में इस फिल्म को एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में और उस नजरिए से देखा जाएगा जिस नज़रिए से हमने फिल्म बनाई है और जिस नज़रिए से दुनिया भर के ऑडियंस ने इसको चाहा है, इसकी सराहना की है, इसको अवार्ड के बाद अवार्ड्स दिए हैं, और एक बार तो सही तरीके से, सच्चे तरीके से,